एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से 1,00,000 रुपए ऐंठने का मामला सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। इस मामले में सीताबर्डी पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम नरेंद्र लक्ष्मण इंगले और उम्र 30 वर्ष है। वह गुलमोहर अपार्टमेंट टेका नाका का निवासी है। सीताबर्डी के हनुमान गली में नरेंद्र का वर्ल्ड ग्रुप ऑफ सर्विसेज नामक एक कार्यालय है। यहाँ उसने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की। सुनील की बेटी एमबीबीएस में प्रवेश चाहती थी, इसलिए उसने नरेंद्र से संपर्क किया। नरेंद्र ने शुक्रवार को फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया। नरेंद्र ने सुनील को पुणे स्थित सिम्बोसिस कॉलेज और वर्धा स्थित सावंगी मेघे मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के जरिए एडमिशन दिलाने का आश्वासन दिया। कहा कि उन्हें शुल्क के साथ साथ 10,00,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। ऐसे करते हुए उनसे 1,00,000 ऐंठे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के कार्यालय पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। इसमें जो फिरियादी है, फिरियादी की लड़की 12th पास हो गई और उसने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसको एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए था। उन्होंने इंक्वायरी किया तो यहाँ पे जो आरोपी है नरेंद्र इंगले, जिसका ऑफिस सीताबर्डी में है, वो कंसल्टेंसी का काम करता है एडमिशन के लिए। उसको उनसे कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट होने के बाद में उसने मेडिकल एडमिशन के लिए पूना या वर्धा में एडमिशन करा के देता हूँ मैनेजमेंट कोटा में से, ऐसा उनको प्रॉमिस किया। प्रॉमिस करने के बाद में एडमिशन के लिए कुछ कैश पैसे देने पड़ेंगे, तो 10,00,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा उनको बोला और एडमिशन दिला के देता हूँ। फिर उसके बाद में 1,00,000 रुपए एडवांस उसने ले लिए। तभी फिरियादी को डाउट आया था कि ये चीटिंग का प्रकार है, इसके लिए फिरियादी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों ने उसको दर्द पहुँचा है। उसके बारे में हमने गुनाह दाखिल किया है 420 का। आरोपी अरेस्ट है, कस्टडी है। उसने और किसी कितने लोगों को चीटिंग किया है उसके बारे में तपास चालू है।